2014 से पहले मोदी जी खुद कहते थे एक मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है, मजबूत रुपए के लिए। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि जो तथा कथित मजबूत प्रधानमंत्री हैं, वो ही रुपए के लिए सबसे हानिकारक साबित हुए हैं। इतिहास में रुपए को सबसे कमजोर करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी बन चुके हैं। पिछले 8 साल में, पिछले 6 महीने में रुपया 7% गिरा है। और फिर से कोरोना, यूक्रेन, रूस, इनके पीछे छिपने की आवश्यकता नहीं है। जब हमने ऑफिस छोड़ा था 2014 में, तो रुपए और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट था वो 58 रुपए प्रति रुपए डॉलर के बराबर था। आज 80 के पार है, तो थोड़ी गिरी हुई साख, थोड़ी गिरी हुई प्रतिष्ठा, थोड़ी उजड़ती आबरू की चिंता तो आप अपनी भी कर लीजिए मोदी जी। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।